आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कैबिनेट ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून में फेरबदल को मंजूरी दे दी है। इसी हफ्ते सरकार संसद में एससी एसटी एक्ट के मूल प्रावधानों को बहाल करने वाला विधेयक लाएगी। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू ने सरकार से संशोधित विधेयक लाने की मांग की थी। 9 अगस्त को दलित संगठनों ने इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी थी। ये लोग जो कहते थे दलित, नरेंद्र मोदी की सरकार दलित विरोधी सरकार है, उनके मुंह पर तमाचा है। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद किया था, जिसमें भारी हिंसा हुई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन पुनर्विचार याचिका पर अभी तक फैसला नहीं आया है। असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर आज लगातार तीसरे दिन संसद में हंगामा हुआ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज भी इस मुद्दे पर बोल नहीं पाए। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के विरोध की वजह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी अपना बयान नहीं दे पाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा है कि जिन लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है उन्हें देश से नहीं निकालना चाहिए। एनआरसी का मुद्दा में हम कह दिया, एक दफे अब ले लो, हमने कह दिया जी। हमने जो कह दिया है कि एनआरसी का मुद्दा पे एक विश्व का इशू है, एक देश का इशू है, एक मानवीयता का इशू है, इसमें ध्यान देना चाहिए। जो लोग हिंदुस्तानी है वो लोगों को निकालना नहीं चाहिए। बीजेपी ने ममता पर निशाना साधा है। राज्य के मुख्यमंत्री ही गृह युद्ध का बात करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री ही खून खराबा का बात करेंगे, तो फिर संवैधानिक पद में बैठ करके वो क्या संदेश देना चाहता है देश वालों को और अपने वोटरों को। सूत्रों के मुताबिक एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी के रुख से कांग्रेस नाराज है। संसद में ममता से मुलाकात के दौरान गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल ने ममता को इस मुद्दे पर सख्त रुख से बचने की सलाह दी। कांग्रेस को डर है कि एनआरसी के मुद्दे पर ममता की वजह से उसे 2019 के चुनाव में नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रियों के कोर ग्रुप के साथ एनआरसी के मुद्दे पर बैठक की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। ममता के मुताबिक 2019 का चुनाव विपक्ष सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगा और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार सभी दल मिलकर चुनेंगे। अभी जो हमारा तो कनेक्टिव फैमिली है, अभी पहले परिस्थिति क्या है, बीजेपी को हटाना है, तो बीजेपी को हटाने के लिए जितना भी अपोजिशन पार्टी है सब इकट्ठा होकर पार्लियामेंट में अगर लड़ाई कर सकता है तो बाहर में क्यों नहीं। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने कई पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। ममता ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और जेडीएस के नेताओं से मिलकर उन्हें 19 जनवरी को कोलकाता में होने वाली रैली का न्योता दिया। ममता ने संसद भवन में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। ममता ने उनके पैर भी छुए। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली को लेकर जारी असमंजस खत्म हो गया है। कोलकाता पुलिस ने अमित शाह की रैली को मंजूरी दे दी है। 11 अगस्त को अमित शाह की रैली कोलकाता में होने वाली है। कोलकाता पुलिस की इजाजत से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि वो रैली के लिए कोलकाता जरूर जाएंगे, अगर पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना है तो करे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल में उनकी सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो 365 दिन जाए, ये तो अच्छा है, जब पूरा हिंदुस्तान भूल के अभी बंगाल में पैर रहने दो तो हिंदुस्तान फ्री हो जाएगा, हम हैप्पी होगा, हमारा बंगाल में कुछ नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट से जुड़े आम्रपाली ग्रुप की सभी कंपनियों और उनके डायरेक्टर की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही ग्रुप की सभी 40 कंपनियों के डायरेक्टर्स के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश भी जारी किया है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कंपनी कोर्ट को गुमराह कर रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आम्रपाली ग्रुप हमारे धैर्य का इम्तिहान न ले। कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम भी मांगे जो ग्रुप की 40 कंपनियों के खातों को देखते हैं। साथ ही 2008 से अब तक आम्रपाली ग्रुप के सभी खातों का हिसाब देने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव और एनबीसीसी के चेयरमैन को कल पेश होने का आदेश भी दिया है।
इस मामले में कल दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी। देश के अलग अलग राज्यों में करीब 42,000 लोगों ने आम्रपाली के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक करा रखे हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद लोगों को फ्लैट नहीं मिले हैं। इनमें से ज्यादातर फ्लैट्स दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं। आपके होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की मासिक किश्त बढ़ने वाली है। महंगाई बढ़ने की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। अब रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। साथ ही रिवर्स रेपो रेट को भी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक अपनी ब्याज दर में बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिससे कर्ज महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 7.4% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रधानमंत्री पद के लिए इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी को बुलाने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की राय पूछी है। विदेश मंत्रालय की सलाह लेने के बाद ही पीटीआई इस पर फैसला लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरे देशों के नेताओं को बुलाने पर भी पीटीआई ने विदेश मंत्रालय की राय पूछी है। पीटीआई ने इमरान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत से क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कपिल देव और नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा अभिनेता आमिर खान को भी बुलाया है। पाकिस्तान के चुनाव में 116 सीट जीतकर पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इमरान खान ने कहा कि वो 11 अगस्त को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इमरान की जीत के बाद सोमवार को पीएम मोदी ने फोन पर उन्हें बधाई दी थी। दुख्तराने मिल्लत की चीफ और अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी से एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में पता चला है कि कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं के पाकिस्तान के साथ काफी नजदीकी संबंध हैं। एनआईए के पूछताछ में आसिया अंद्राबी ने बताया है कि 2015 में उसकी मां के निधन के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खत लिखकर दुख जताया था। एनआईए की जांच में पता चला है कि कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी का दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में लगातार आना जाना रहता था। आसिया अंद्राबी आतंकी हाफिज सईद और पूर्व आईएसआई चीफ हामिद गुल के भी संपर्क में रहती थी। बिहार के मुंगेर में 42 फीट नीचे बोरवेल में फंसी बच्ची सना को इस वक्त निकाला जा रहा है। बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। जिस गड्ढे में सना फंसी है उसके बगल में एक और गड्ढा खोदकर उसे निकाला जा रहा है। बोरवेल में बच्ची करीब 30 घंटे से फंसी हुई है। सना मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बोरवेल में गिर गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। रामनाथ कोविंद ने 5 सांसदों को अलग अलग सालों के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला को साल 2013 के लिए, बिहार के मधुबनी से बीजेपी सांसद हुकुम देव नारायण यादव को 2014, गुलाम नबी आजाद को 2015, टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी को 2016 और 2017 के लिए, कटक से बीजेडी सांसद भर्तहरि मेहताब को सर्वश्रेष्ठ सांसद अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो गरीब नी माँ जो कीचड़ में चलती थी, कभी जीवन में सनलाइट और लाइफ बॉय साबुन नहीं देखा, ऐसे माँ की गोद से निकले हुए एक किसान के पुत्र को आपने उत्कृष्ट सांसद बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित सांसदों को बधाई दी। सबका दायित्व है कि हमारे शब्द सांसद के दिल से निकली हुई वो गांव गरीब किसान की बात सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर करें। ये स्थिति सदन में हम सब पैदा कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, मैं शून्य में शब्द की तरह विद्यमान हूं। यह कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को शब्द की महिमा बताई थी। उन्होंने शब्द को ब्रह्म यानी ईश्वर कहा था और यह सिर्फ शास्त्रों में कही गई बात नहीं है, ये बात व्यवहारिक रूप से भी 100% सत्य है।
शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द लोगों को प्रेरणा देते हैं, शब्द लोगों में भावनाओं को जागृत करते हैं और उन्हें सड़कों पर खींच लाते हैं। शब्दों के आसपास करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इतनी शक्ति होती है शब्द में। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था और ऐसे ही शब्दों की ताकत पूरा भारत महसूस कर चुका है। आपने इन शब्दों की ताकत देखी है। इतिहास गवाह है कि बिना शब्दों के कभी क्रांति नहीं होती, और भारत में भी 20वीं शताब्दी में एक ऐसे ही शब्द का आविष्कार हुआ था जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था, और यह शब्द था जन्मसिद्ध अधिकार। आज भारत के नागरिकों और घुसपैठियों के अधिकारों को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है और वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ऐसे में आपको जन्मसिद्ध अधिकार के मायने समझने होंगे, क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकार भारत के नागरिकों को तो मिल सकता है लेकिन घुसपैठियों को नहीं। जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब है वो अधिकार जो किसी को जन्म लेते ही मिलता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार कहा था। इस नारे में एक संकल्प है, इसमें एक शक्ति है, स्वाभिमान की भावना है और अपने अधिकारों को लेकर एक तरह की जागरूकता है। वर्ष 1857 में अंग्रेजों ने पहले स्वतंत्रता संग्राम को बहुत बेरहमी से कुचल दिया था। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी, और ऐसे में तब बाल गंगाधर तिलक के इसी नारे ने पूरे भारत में जोश भर दिया था। लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर उतर आए थे, और आज हम बाल गंगाधर तिलक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन यानी 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन आज की स्थिति को बाल गंगाधर तिलक की दृष्टि से अगर हम देखें तो कैसे देखेंगे, ये आज हम आपको बता देंगे। आज हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक और उनके विचारों को सिर्फ किताबों तक सीमित कर दिया है। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक को भारत की क्रांति का जनक कहा था, और आज भी बाल गंगाधर तिलक के विचार और उनकी स्वराज वाली थ्योरी बहुत प्रासंगिक है, और इसीलिए हमने ये सोचा कि आज के विश्लेषण की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देने के साथ की जाए, और साथ ही आपको ये भी बता दिया जाए कि आज जिस तरह का माहौल है उसमें बाल गंगाधर तिलक की कितनी जरूरत है। राजनीति में एक शब्द अक्सर बार बार इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द है मास लीडर, यानी जन नेता, यानी एक ऐसा नेता जो लोगों के दिलों में बसता है। बाल गंगाधर तिलक भारत की आधुनिक राजनीति के पहले मास लीडर थे, यानी जन नेता थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 23 जुलाई 1856 को हुआ था, लेकिन उनकी राजनीति और प्रभाव का विस्तार पूरे भारत में था। बाल गंगाधर तिलक की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि उन्होंने आजादी के अर्थ को बदल दिया था। उनकी राजनीति बहुत आक्रामक थी। उस समय कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो अंग्रेजों के राज को स्वीकार कर चुके थे और वो ब्रिटेन की महारानी के साम्राज्य के अंतर्गत ही एक भारतीय व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का नारा दिया। उन्होंने विदेशियों के सामने सिर झुकाने से साफ साफ इनकार कर दिया, और उस समय भी देश में कुछ ऐसे डिजाइनर नेता मौजूद थे जो बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे नेता अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखने और उनकी बैठकों में प्रस्ताव पास करने को ही आजादी की लड़ाई समझते थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इस राजनीति की आलोचना की और अपना एक अलग रास्ता बनाया। उनका नारा था बॉयकॉट, यानी बहिष्कार। वर्ष 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल में आजादी की भावना को कुचलने के लिए बंगाल का बंटवारा किया, तब तिलक ने बहिष्कार का नारा दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी कपड़ों की होली जलाओ और स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करो ताकि अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचे। बाद में महात्मा गांधी ने भी इस नीति को अपने अहिंसा और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनाया। बाल गंगाधर तिलक ने 2 साप्ताहिक अखबार भी निकाले जिनके नाम थे केसरी और दी मराठा। वो भारतीय इतिहास के बहुत अच्छे जानकार थे, उनके पास कानून की डिग्री थी, वो हिंदू धर्म के विद्वान थे, वो दर्शन शास्त्री थे और इसके साथ साथ एक पत्रकार भी थे। यहां यह भी कहना होगा कि वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार थे
और उनकी जोशीली कविताओं ने पूरे भारत में आजादी की चिंगारी को आग में बदल दिया था। आज के जमाने में तो राष्ट्रवादी पत्रकारों को बहुत शक की नजर से देखा जाता है और ऐसा समझा जाता है जैसे ये किसी दूसरे देश के या दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। लेकिन उस समय बाल गंगाधर तिलक शायद देश के पहले राष्ट्रवादी पत्रकार थे और उन्होंने अपने इसी लेखन से, इन्हीं शब्दों से पूरे देश को प्रेरित किया। और इसके बाद आखिर परेशान होकर अंग्रेजों ने तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 6 साल की सजा दी गई और बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक के शरीर को तो कैद कर लिया, लेकिन वो उनके मन, उनकी आत्मा और उनकी योग्यता को कैद नहीं कर सके। जेल में उन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम था गीता रहस्य। ये भगवत गीता की व्याख्या थी और उस वक्त लोगों में एक धारणा थी कि हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष और संन्यास है। ये विचार देश की आजादी में रुकावट बन रहा था। ये बहुत खास बात है और इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब गीता रहस्य में कर्म योग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भगवत गीता मोक्ष प्रधान नहीं बल्कि कर्म प्रधान ग्रंथ है। और फिर वर्ष 1914 में उनकी रिहाई हुई और एक बार फिर वो राजनीति में सक्रिय हो गए और उसी दौरान उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की जिसका एकमात्र लक्ष्य था स्वराज। और इसका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत भी की थी। यह आधुनिक भारत में बिल्कुल नया प्रयोग था, एक खास तरह की योजना थी, क्योंकि इसके माध्यम से, यानी गणेश उत्सव के माध्यम से, लोगों को इकट्ठा किया गया, उनके अंदर आजादी की भावना को मजबूत किया गया। यह वो दौर था जब अंग्रेज भारतीय लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने देते थे। ऐसे में गणेशोत्सव भारतीय लोगों के इकट्ठा होने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया और इसी के जरिए लोगों को अपनी ताकत का एहसास हुआ, अपनी एकता के बारे में उन्हें पता चला। बाल गंगाधर तिलक अपनी आखिरी सांस तक भारत के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन आज की राजनीति में ये भावना और ऐसे संघर्ष का मादा बचा ही नहीं है। आज के नेता घुसपैठियों के जन्मसिद्ध अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं और घुसपैठियों के स्वराज की राजनीति करते हैं ताकि उनका वोट बैंक वोटों के खजाने से हमेशा भरा रहे। 1947 में भारत को आजादी मिली थी, लेकिन तब लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस आजादी का जश्न मनाए या फिर मातम, क्योंकि आजादी मिलने के साथ ही भारत के टुकड़े भी हो गए थे। बंटवारा भारत में एक बहुत बड़ी त्रासदी लेकर आया था। भारत और पाकिस्तान में उस वक्त हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे और इस हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आज के जमाने में 10 लाख लोग कहीं मर जाएं? ज्यादातर लोगों की हत्या भीड़ द्वारा की गई थी। आज लिंचिंग शब्द की बहुत चर्चा हो रही है, चारों तरफ आप लिंचिंग के बारे में सुनते होंगे, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा लिंचिंग उसी समय हुई थी जब भारत का बंटवारा हुआ था। यह बंटवारा एक तरह का गृह युद्ध था, सिविल वॉर था, जिसमें भारत में ही रहने वाले लोग आपस में धर्म के नाम पर लड़ रहे थे, एक दूसरे की हत्याएं कर रहे थे। वो दौर इतना बुरा था और बंटवारे की कहानियां इतनी दर्दनाक हैं कि अब कोई भी उन कहानियों को याद नहीं करना चाहता। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भारत की इस दुखती रग पर आज हाथ रख दिया है। असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट किया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मामले को भी गृह युद्ध से जोड़ दिया है। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि अगर भारत के दूसरे राज्यों में NRC जैसी पॉलिसी को लागू किया गया तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, सिविल वॉर छिड़ जाएगा। कि आपका लीडर लोग बोलता है नेक्स्ट टारगेट अभी बंगाल है, ये ऑर्डर सिटी कौन दिया है, किसने दिया है? अभी कहेगा बिहार को करेगा हम, अभी कहेगा बंगाल को करेगा हम, अभी कहेगा महाराष्ट्र को करेगा हम, अभी कहेगा गुजरात को करेगा हम, अभी कहेगा यूपी को करेगा हम। इसमें देश नहीं चलेगा, इसमें सिविल वॉर हो जाएगा, ब्लड वॉर हो जाएगा। ये क्या है, कोई सरकार का कोई काम है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी का काम है? और आपको रूलिंग पार्टी को ऐसा बात करना भी ठीक नहीं है। ये जो शब्द है गृह युद्ध, ये वैसे तो बड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन ये हमारे देश के, क्या दुनिया के जितने भी नेता हैं चाहे किसी भी देश के रहे हों, उनका मनपसंद शब्द रहा है।
और जब भी कोई नेता किसी तरह की कोई धमकी देना चाहता है तो गृह युद्ध शब्द का इस्तेमाल करता है। वो धमकी भरे अंदाज में ये कहता है कि अगर ये काम हुआ तो सिविल वॉर हो जाएगा, और सिविल वॉर के नाम से, गृह युद्ध के नाम से लोगों को डराया जाता है। लेकिन गृह युद्ध कोई खेल नहीं है। गृह युद्ध का मतलब है देश के नागरिकों के बीच होने वाला खून खराबा। ये एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें पूरा के पूरा देश बर्बाद हो जाता है और मानवता को कुचल दिया जाता है। व्यवस्थाएं टूट जाती हैं, सरकारें टूट जाती हैं। दुनिया में सबसे बड़ा गृह युद्ध रशिया में हुआ था। वर्ष 1917 से 1922 के बीच हुए इस संघर्ष में 80 लाख लोगों की जान गई थी। दूसरा सबसे बड़ा गृह युद्ध चीन में हुआ था। वर्ष 1927 से 1950 तक चले इस गृह युद्ध में, इस सिविल वॉर में 78 लाख लोग मारे गए थे। और तीसरा सबसे बड़ा गृह युद्ध कांगो में हुआ था। वर्ष 1960 से 1964 के बीच 4 सालों में कांगो में 54 लाख लोग मारे गए थे। चौथा सबसे बड़ा गृह युद्ध कोरिया में हुआ था। वर्ष 1950 से 1953 तक चले इस गृह युद्ध में 3 साल के अंदर 50 लाख लोग मारे गए थे। और पांचवा सबसे बड़ा सिविल वॉर यानी गृह युद्ध वियतनाम में हुआ था। 1954 से 1973 के बीच वियतनाम में 30 लाख लोग मारे गए थे। आज हमने इन घटनाओं का जिक्र आपके सामने इसलिए किया ताकि लोग गृह युद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचें। और जैसा हमने आपको बताया कि गृह युद्ध नेताओं का बड़ा मनपसंद शब्द है। नेताओं को जब धमकी देनी होती है, किसी को डराना होता है, तो वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ममता बनर्जी भी शायद गृह युद्ध शब्द का प्रयोग करके आपको डराने की कोशिश कर रही है। गृह युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता और ये कोई राजनीतिक हथियार भी नहीं है। इसलिए देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस शब्द का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गृह युद्ध एक ऐसी चीज होती है जो सबसे पहले संविधान को बर्बाद कर देती है। सच्चाई यह है कि खून खराबे वाली शब्दावली का इस्तेमाल नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए करते हैं। आज का भारत बाल गंगाधर तिलक का भारत नहीं है। आज का भारत एक ऐसा भारत है जहां राजनीति का एक ही धर्म और एक ही मजहब है, और वो है वोट बैंक। आज के भारत में नेताओं का एक ही आदर्श है और वो है सत्ता। राजनीतिक दलों की एक ही विचारधारा है और वो है कुर्सी। और यही वजह है कि यू टर्न भारत की राजनीति में बहुत चर्चित शब्द बन गया है। आज हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बहुत बड़े राजनीतिक यू टर्न का विश्लेषण करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में मौजूद हैं। जिस तरह फिल्मी सितारे अपनी फिल्म के रिलीज होने से पहले अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए जगह जगह घूमते हैं, उसी तरह ममता बनर्जी भी अपनी राजनीतिक फिल्म का प्रमोशन करने के लिए दिल्ली में अलग अलग नेताओं से मिल रही हैं, अपने राजनीतिक लक्ष्यों का के प्रमोशन के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए। वो असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। NRC के ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों की गैर मौजूदगी को उन्होंने गृह युद्ध से जोड़ दिया है। इस तरह की राजनीति से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मनोबल बढ़ता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपने वोट को ही अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बना लिया है, क्योंकि वो जानते हैं 40 लाख वोट कम नहीं होते और किसी भी नेता के मुंह में 40 लाख वोटों के नाम पर पानी आ जाएगा। लेकिन एक जमाना था जब ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानती थी। ये जो तस्वीर आप देखेंगे अभी, ये तस्वीर 4 अगस्त 2005 की है। उस दिन लोकसभा में डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल मौजूद थे। ममता बनर्जी अचानक सामने आई और कुछ पेपर्स चरणजीत सिंह अटवाल की तरफ फेंके। ममता बनर्जी इसलिए नाराज थी क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने का विरोध किया था और चर्चा के लिए लोकसभा के स्पीकर से वक्त मांगा था। जब लोकसभा स्पीकर ने उन्हें वक्त नहीं दिया तो इससे नाराज होकर उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। इस्तीफे की यह पेशकश स्वीकार नहीं की गई। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी की कौन सी राजनीति सही है, 2005 वाली राजनीति या 2018 वाली राजनीति। कल हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी दादी
इंदिरा गांधी का 47 वर्ष पुराना एक इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें इंदिरा गांधी कह रही थी कि बांग्लादेशी शरणार्थियों को वापस जाना ही होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और आज हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्हीं की ये पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं, शायद उनकी याददाश्त वापस लौट आए। जब इस स्वरूप इलाज अगस्त 2005 को ममता बनर्जी इसी मुद्दे पर कितनी नाराज थी, कितनी गुस्से में थी, अभी आपने तस्वीरों में देख लिया। और 1 अगस्त 2018 आते आते ममता बनर्जी ने पूरा की पूरा यू टर्न ले लिया। जिस मुद्दे पर वो इतनी नाराज हो रही थी, गुस्सा हो रही थी, जिसका विरोध कर रही थी, आज उसी मुद्दे का बड़ी शिद्दत के साथ समर्थन कर रही हैं। और नेता की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, एक नेता के डीएनए में सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार अपने बयानों को और अपनी विचारधारा को बदल सकता है। और ममता बनर्जी ने ठीक यही किया। आज हमें लगा कि ममता बनर्जी की ये तस्वीर आप सबको दिखाना बहुत जरूरी है। बाल गंगाधर तिलक का युग अब समाप्त हो चुका है, बीत चुका है। आज भारत की राजनीति एक अलग दौर में पहुंच चुकी है। एक जमाने में जनता के जन्मसिद्ध अधिकार की बात होती थी और आज घुसपैठियों के अधिकारों की बात होती है। ये भारत का दुर्भाग्य है और इसके लिए सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि जनता खुद ही ऐसे नेताओं का वोट बैंक बनती है, जाति और धर्म की राजनीति करने वालों को राजनीति का नायक बनाती है। और फिर स्वराज जैसे शब्द जनता की ताकत बनने के बजाय नेताओं के हाथ का खिलौना बन जाते हैं, स्वराज जैसे शब्दों की हत्या हो जाती है। हमारे देश के सैनिकों के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। लेकिन ये बात सिर्फ हमारे देश के वीर सैनिकों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि सैनिकों के अलावा एक और प्राणी ऐसा है जो दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए उतना ही वफादार है जितना कोई सैनिक। और ये प्राणी है हमारी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल स्निफर डॉग्स। ये भले ही आपकी और हमारी तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन देश और समाज के प्रति उनकी वफादारी से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज हम आपकी मुलाकात सीआरपीएफ के शानदार स्निफर डॉग से करवाएंगे। देश में सीआरपीएफ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाती है और नक्सलियों के खिलाफ अलग अलग ऑपरेशंस में इन स्निफर डॉग्स की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी सीआरपीएफ के किसी सिपाही की तरह होते हैं। बेंगलुरु में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग और ब्रीडिंग स्कूल है जहां इन डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्कूल से हर साल करीब 130 स्निफर डॉग्स निकलते हैं। ये सभी डॉग्स पूरे देश में सीआरपीएफ सेंटर्स पर भेजे जाते हैं और प्रमुख तौर पर सीआरपीएफ के ऑपरेशंस नक्सली इलाकों में होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ डॉग्स ही नक्सली इलाकों में तैनात होते हैं। अब समस्या इस बात की है कि जो डॉग नक्सली इलाकों में तैनात नहीं होते वो अपनी बेसिक ट्रेनिंग भी भूल जाते हैं, और जब उनकी नक्सल प्रभावित इलाकों में जाने की बारी आती है, यानी जब उनका ट्रांसफ़र नक्सली इलाकों में हो जाता है, तो वो सीआरपीएफ के किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि वो सूंघ कर विस्फोटकों का पता नहीं कर पाते और एक तरह से सीआरपीएफ के लिए एक खतरा या बोझ बन जाते हैं। इसीलिए इन स्निफर डॉग्स को सीआरपीएफ के ट्रेनर्स अब रिफ्रेशर कोर्स करवा रहे हैं जहां उन्हें फिर से बेसिक सिखाए जाते हैं। यानी इंसान हो, जानवर हो या फिर मशीन, सॉफ्टवेयर अपडेट सबके लिए ज़रूरी होता है। इसलिए इसे आप सीआरपीएफ के स्निफर डॉग्स का एक सॉफ्टवेयर अपडेशन भी कह सकते हैं।
पिछले कुछ वर्षों की तुलना में नक्सली हमले बेशक कम हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान से लाल आतंक का खतरा टला नहीं है। अपने इलाकों में नक्सली आए दिन जवानों को शहीद करते रहते हैं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सीआरपीएफ के इन योद्धाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे जमीन में छिपा हुआ विस्फोटक खोजना हो या किसी सामान में छिपाकर रखा गया आरडीएक्स, सीआरपीएफ के स्निफर डॉग्स सबसे आगे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये स्निफर डॉग्स अपनी बेसिक ट्रेनिंग ही भूल जाए? ट्रेनिंग चाहे अपने जवान हो या ऑफिसर्स हो या डॉग्स हो, कैनाइन्स हो, ट्रेनिंग हमेशा होते रहना चाहिए, तभी जो सिखलाया हुआ चीज़ है वो हमेशा याद रहता है। डॉग्स को एक बार बेसिक ट्रेनिंग बैंगलोर में देने के बाद जब फील्ड में डिप्लॉयमेंट हो जाता है, उनको फिर रेगुलर इंटरवल्स में ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है, हमारा बटालियंस डिप्लॉयड है इंटीरियर जंगल्स में, पहाड़ों में, जहाँ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं रह पाता है डॉग्स के लिए। तो कलकत्ता में एक रेफ्रेशर कोर्स मैंने डॉग्स को और डॉग हैंडलर्स को भी शुरू कराए हैं। सीआरपीएफ के सामने यही समस्या थी, क्योंकि जो डॉग्स नक्सली इलाकों में तैनात नहीं होते थे वो अपनी ट्रेनिंग भूल जाते थे, और अगर उनकी तैनाती नक्सली इलाकों में हो गई तो फिर वो सीआरपीएफ के लिए खतरा भी हो सकते थे। इसीलिए इन स्निफर डॉग्स के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स डिजाइन किया गया। कोलकाता में इन डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले बारी आती है टैरेंट ट्रेनिंग की। किसी भी डॉग के लिए सबसे मुश्किल होता है सीढ़ी पर चढ़ना उतरना और बैलेंस बनाकर दो पट्टियों के बीच चलना, पर इसे सीखना जरूरी है क्योंकि कल उसे मैदान जंग में इन सब का इस्तेमाल करना होगा। इन स्निफर डॉग्स को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि जब उनका हैंडलर रुकने को बोले तो रुकना है और जब चलने को बोले तो चलना है। आम तौर पर नक्सली जमीन में विस्फोटक दबा कर रखते हैं, इसलिए नक्सली इलाकों में तैनात इन डॉग्स को ही सबसे पहले विस्फोटक खोजने के लिए भेजा जाता है। कई बार नक्सली हमलों में नक्सली जवानों के शवों पर भी विस्फोटक बांध कर रखते हैं, ताकि बाद में जब जवानों की डेड बॉडी खोली जाए तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इसलिए इन स्निफर डॉग्स को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। जमीन पर लेटे हुए इन जवानों में से किसी एक के शरीर में विस्फोटक है और इस डॉग को ये खोज कर बताना है कि किसके शरीर पर विस्फोटक बंधा हुआ है। कभी ह्यूमन बॉम्ब के रूप में भी रहता। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ, एक मुठभेड़ में किसी सिपाही को गोली लग गया, वो शहीद हो गए थे और बाकी सब फोर्स इधर उधर चितरा हुए हैं। फोर्स नज़दीक आने के पहले उसी शहीद हुए सिपाही की बदन में आईईडी फिक्स कर दिया था उग्रवादियों ने, और जैसे ट्रूप्स आया उनको उनका बॉडी को रिकवर करने के लिए तो उसको ब्लास्ट करा दिया और 10 आदमी शहीद हो गए थे। तो ये सब से बचने के लिए भी, ये सब से हम लोगों का ये होने के लिए भी, अलर्ट होने के लिए भी, जब भी इस तरह का घटना होता है पहले डॉग्स जाके स्निफ कर देते हैं। ये एक मॉक ड्रिल है। ट्रेनिंग का एक हिस्सा ये भी है। जवान अपनी गन लेकर बस से कूदा और साथ में एक स्निफर डॉग भी है। वो जंग के मैदान में इस जवान का साथी है। जहां जहां ये जवान जा रहा है ये डॉग उसके साथ होगा। अब जवान एक तरफ देख रहा है और डॉग दूसरी तरफ, ताकि अगर दुश्मन पीछे से हमला करे तो उसे देखा जा सके। जब तक इस डॉग का हैंडलर इशारा नहीं करेगा वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। ये एक स्निफर डॉग का जो है डेमोंस्ट्रेशन है, इसे बनाया गया है एक तरीके से जो नक्सली या माओवेस्ट जो हाइड आउट है वहाँ
यहाँ पर जिस तरीके से गोलीबारी या फायरिंग या बम विस्फोट हो रहा है उसी तरीके से फिलहाल उसने एक माओवादी या एक नक्सली को आइडेंटिफाई करते हुए अब उसे पूरी तरीके से जकड़ लिया है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये आइडेंटिफाई करता है, अगर कोई नक्सली या माओवादी इस हाइड आउट के आसपास है या हाइड आउट में है तो उसे शनाख्ती का काम जो है और आइडेंटिफाई कर उसे अटैक करता है यहाँ पर। अब मैदान में अलग अलग बैग रखे गए हैं और स्निफर डॉग को ये पहचानना है कि इसमें विस्फोटक किसमें रखा है। भारत के कई ऐसे नक्सली माओवादी इलाकों में सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं और वहीं पर एक अहम भूमिका निभाते हैं सीआरपीएफ के स्निफर डॉग्स। वो चाहे आईईडी की शनाख्ती हो, किसी आरडीएक्स या किसी अन्य तरीके का एक्सप्लोसिव हो या माओवादी या नक्सली हाइड आउट को अगर पहचानना हो उसमें स्निफर डॉग का एक अहम भूमिका रहती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक सीआरपीएफ के ही स्निफर डॉग जो है ये रिफ्रेशर कोर्स के दौरान अभी अभी इस बैग में से उसने एक एक्सप्लोसिव को आइडेंटिफाई किया है। नक्सली अगर किसी बस को हाईजैक करें तो ये स्निफर डॉग्स उस स्थिति से निपट सकते हैं। इसके लिए इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी गई है। आप इस मॉक ड्रिल में देख सकते हैं कि कैसे स्निफर डॉग ने बस के अंदर नक्सली पर हमला बोल दिया। रोड के ऊपर उन लोगों ने जो एक्सप्लोजिव या आईडी लगाते आईडी को हमारा डॉग ने उसको इंडिकेट करके पार्टी को सूचित कर देते हैं जी आगे एक्सप्लोजिव है या एम्बुलेंस है, सारी चीज बता देते हैं। कुल मिलाकर ये पहल अभी सिर्फ सीआरपीएफ के पश्चिम बंगाल सेक्टर में इस ट्रेनिंग की शुरुआत से की गई है और इस ट्रेनिंग सेंटर में बिहार, उड़ीसा और झारखंड के स्निफर डॉग्स और उनके हैंडलर्स को भी दोबारा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि नक्सलियों के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन में सीआरपीएफ कमजोर न पड़े। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। और अब आपको आज का एक बड़ा दिलचस्प संवाद सुनाते हैं। वैसे तो हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है लेकिन हमारे लिए रोज ही हिंदी दिवस होता है क्योंकि हम हर रोज डीएनए में आपके साथ हिंदी भाषा के माध्यम से ही संवाद करते हैं और आपके लिए खबरों का विश्लेषण करते हैं। जी न्यूज़ भी हिंदी चैनल है लेकिन आज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की दक्षिण एशिया की प्रवक्ता हेलेना वाइट पाकिस्तान में हुए चुनावों के मुद्दे पर आपसे संवाद करेंगी और फर्क सिर्फ इतना होगा कि आज वो अंग्रेजी में नहीं बल्कि आपकी अपनी भाषा यानी हिंदी में बात करेंगी। ऐसा लगता है कि अब अमेरिकी प्रशासन को भी हिंदी की ताकत का एहसास हो गया है और इसीलिए आज हेलेना वाइट ने हिंदी को पूरा सम्मान दिया और अपना ये जो प्रेस स्टेटमेंट है ये उन्होंने हिंदी में दिया। अमेरिका पाकिस्तान में हल ही में हुए चुनाव के परिणामों से अवगत है। अमेरिका पाकिस्तानी महिलाओं समेत सभी लोगों के साहस की सराहना कराते हैं जिन्होंने वोट दिया और अपने देश के भविष्य के निर्धारण का संकल्प दिखाया। हम चुनाव वाले दिन क्वेटा में एक मतदान केंद्र के बाहर हुए हमले सहित इस प्रक्रिया को नुकसान पहुंचने वाले आतंकवादी हिंसा की निंदा कराते हैं। हम हमले के शिकार लोगों और उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्दी ठीक होने की तमन्ना कराते हैं। पाकिस्तान की दीर्घकालीन स्थिरता और समृद्धि के लिए शासन के मजबूत लोकतांत्रिक और नागरिक संस्थाओं और एक जीवन सिविल सोसाइटी का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका को चुनाव में आतंकवाद से जुड़े लोगों की भागीदारी पर भी गहरा दुराव है लेकिन हम पाकिस्तानी मतदाताओं की सराहना कराते हैं जिन्होंने बुधवार को इन उम्मीदवारों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हमारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ अमेरिका सभी पाकिस्तानियों के लिए राजनीतिक भागीदारी के मौकों को बाधने और वैध लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने को बढ़ावा देता रहेगा। अमेरिका दक्षिण एशिया में सुरक्षा,
स्त्रीता और समृद्धि के लिए हमारी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की नई सरकार और नेताओं के साथ काम करने को उत्सुक हैं। धन्यवाद। तो हेलेना वाइट अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं और हिंदी में बात कर रही हैं। हेलेना वाइट को हिंदी बोलने में कोई हीन भावना महसूस नहीं हो रही, आपने इस वीडियो में देखा होगा। लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी बोलते हुए शर्म महसूस होती है और वो हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। देश में भले ही हिंदी और हिंदी बोलने वालों को हीन दृष्टि से देखा जाता हो, लेकिन पूरी दुनिया में हिंदी का महत्व बढ़ रहा है, हिंदी की ताकत बढ़ रही है। इसके लिए मैं आपको हिंदी से जुड़ी कुछ खास जानकारियां आज देना चाहता हूं। वर्तमान दौर में हिंदी भारत के करीब 40% लोगों की मातृभाषा है। अंग्रेजी, मैंडरिन और स्पेनिश के बाद हिंदी दुनिया भर में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। दुनिया भर में हर छठा इंसान हिंदी बोलता है या समझता है। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों सहित दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेशों में 25 से ज़्यादा अखबार और मैगजीन रोज हिंदी में निकलती हैं। दुनिया में करीब 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं या समझते हैं। दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है, जिनमें जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। हिंदी दुनिया की उन गिनी चुनी भाषाओं में से एक है जिनमें जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है, यानी ये एक वैज्ञानिक भाषा है। इसलिए हिंदी का सम्मान कीजिए और जहाँ तक संभव हो हिंदी का प्रयोग कीजिए। इसमें हीन भावना जैसी कोई बात नहीं है, शर्म आने जैसी कोई बात नहीं है। और अब आखिर में देखते हैं कि आज की हिस्ट्री क्या कहती है। वर्ष 1920 में आज ही के दिन भारत की आज़ादी के बड़े नायक बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये प्रसिद्ध शब्द बाल गंगाधर तिलक के ही थे और उन्हें आदर से लोकमान्य भी कहा जाता है। उन्होंने सन 1894 में घरों में मनाए जाने वाले गणेश उत्सव को सार्वजनिक गणेश उत्सव में बदलने की शुरुआत भी की थी। आप ये तो जानते ही हैं कि ऑक्सीजन गैस जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसकी खोज कैसे हुई। वर्ष 1774 में आज ही के दिन ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ प्रेस्ली ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। हालांकि ऑक्सीजन की खोज के लिए इतिहास में कार्ल विलहेम शीले को भी याद किया जाता है, लेकिन जोसेफ ने अपना शोध कार्ल विलहेम से पहले प्रकाशित कर दिया था। जोसेफ ने अपने शोध के दौरान एक खास तरह की गैस का टेस्ट पहले चूहों पर और फिर खुद पर किया और ये पाया कि ये गैस सांस लेने के लिए सामान्य हवा से ज्यादा अच्छी है और ये गैस ऑक्सीजन ही थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन 70 साल की आज़ादी के बाद भी देश को स्वराज का इंतजार है। नमस्कार।